शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है जो गालिब है, हिकमत वाला है। हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों में है हिकमत से और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और काफिरों को जिस चीज से खबरदार किया जाता है उससे वो मुंह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब मेरे पास लाओ या तुम्हारे पास इल्मे अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में जबकि वो उनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने इसको असखुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो, वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है और वही तो है बड़ा बख्शने वाला मेहरबान। कह दो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूँ और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही आती है, और मेरा काम तो अलानिया खबरदार करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और काफिर मोमिनों के मुतालिक कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते, और जब वो इससे हिदायत याब न हुए तो कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और ये किताब अरबी जबान में है उसकी तस्दीक करने वाली ताकि जालिमों को खबरदार करे और नेकुकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर वो उस पर कायम रहे तो उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे, ये उसका बदला है जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया, उसकी माँ ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है, यहाँ तक कि जब वो पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार बनूं और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फरमाबरदारों में हूँ। यही लोग हैं जिनके आमाल नेक हम कबूल करेंगे और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता था। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं तुमसे बेजार हूँ, क्या तुम मुझे ये बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा हालांकि बहुत सी कौमें मुझसे पहले गुजर चुकी हैं? और वो दोनों अल्लाह के जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहने लगा ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो इनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया, बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गरज यह है कि अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाएगा। और जिस दिन काफिर दोजख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे लुत्फंदोज हो चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाता है। ये उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी कि बदकिरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में खबरदार किया और उनके आगे और पीछे से खबरदार करने वाले गुजर चुके थे
कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। पैगंबर ने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और मैं तो जो अहकाम देकर भेजा गया हूँ वो तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा है, तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा, नहीं बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी, जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है जो हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती थी। आखिर वो ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा वहां कुछ नजर नहीं आता था। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं और हमने उनको ऐसा इख्तदार दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया, और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे, तो चूंकि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे इसलिए न तो उनके कान ही उनके कुछ काम आ सके और न आंखें और न दिल, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा। और ऐ मक्के वालों, तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया और बार बार हमने अपनी निशानियां जाहिर कर दी ताकि वो रुजू करें, तो जिनको उन लोगों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद बनाया था उन्होंने उनकी क्यों मदद न की, बल्कि वो उनसे गुम हो गए, और ये उनका झूठ था और यही वो इफ्तिरा किया करते थे। और वो वक्त काबिल जिक्र है जब हमने जिन्नों में से कई शख्स तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किए कि कुरान सुने, तो जब वो उसको सुनने हाजिर हुए तो आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। जब पढ़ना खत्म हुआ तो वो अपनी बिरादरी के लोगों में वापस गए कि उनको खबरदार करें। कहने लगे कि ऐ कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल हुई है, जो किताबें उससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करती है और सच्चा दीन और सीधा रास्ता बताती है। ऐ कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से पनाह में रखेगा, और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात कबूल न करेगा तो वो जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकेगा और न उसके सिवा उसके हिमायती होंगे। ये लोग खुली गुमराही में हैं। क्या इन्होंने नहीं समझा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और वो इनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? हाँ, क्यों नहीं, वो हर चीज पर कादिर है। और जिस रोज इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, क्या ये हक नहीं है? तो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम ये हक है। अल्लाह फरमाएगा कि तुम जो दुनिया में कुफ्र किया करते थे तो अब उसकी वजह से अजाब के मजे चखो। बस ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं उसी तरह तुम भी सब्र करो और इनके लिए अजाब जल्दी ना मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो ये ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही ना थे मगर घड़ी भर दें। ये कुरान पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे।